Welcome to the channel guys, India Automotive. Today we have the Kia Sonet 2024, newly launched olive color में. और starting from the front, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर dark chrome में आपके grill, rear में आपको दो parking sensors देखने को मिल जाते हैं, हालांकि front parking sensor इस model में नहीं आता है guys. बात करें अगर इसके headlight cluster की तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे DRLs, halogen setup में आपके high beam और low beam. और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे turn indicator, halogen setup में, and again fog lamp, halogen setup में. बात करें अगर अपने इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की गाइस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एलॉय व्हील टाइप के लगते हैं, हालांकि ये है व्हील कैप. और अगर टायर प्रोफाइल साइज़ की अगर हम बात करें गाइस, तो 215/60R16 इंच के आपके अंदर टायर देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर LED सेटअप में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर. और ओलिव कलर देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम एंड खाली क्लासी लुक दे रहा है, और काफ़ी फ्रेश भी बना रहा है इस गाड़ी को. और जो कि चेंजेस जो 2024 किया सोनेट में किए गए हैं, वो है कनेक्टेड टेल लैम्प्स. यहाँ पे आपको मिल जाएगी ब्यूटीफुल सी किया की बैजिंग, यहाँ पे सोनेट की ब्रांडिंग, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे दो पार्किंग सेंसर्स. यहाँ पे हालांकि कटौती की गई है कंपनी द्वारा, तो वो अलग बात है. रियर में आपको लाइट ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी की मैसिव है गाइज, फॉर टिपिकल इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है. कम्प्लीट LED सेटअप में आपको इसके अंदर लाइट मिलती है, और टर्न इंडिकेटर भी LED में देखने को मिलता है. यहाँ पे आपका फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है. तो ये है इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड. लेट्स गो इनसाइड द गाड़ी के अंदर. काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फील ये गाड़ी अंदर से देती है गाइस. बात करें अगर आपको उसमें सिंगल कलर में आपका कंप्लीट डोर हैंडल मिलता है, यहाँ पर आपके विंडो से रिलेटेड कंट्रोल और RBM से रिलेटेड कंट्रोल्स. काफ़ी प्रीमियम साइज का स्टेयरिंग में आपको मिल जाएंगे मीडिया से रिलेटेड कंट्रोल, और राइट साइड में आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल गाइस. और अगर इसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर गाइस, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिजिटल सेटअप में मिलता है. लेफ्ट साइड में आपके RPM, मिडिल में आपके स्पीडोमीटर, राइट साइड में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके टेम्परेचर, सारे आइकॉन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं एज यूजल. TPMS सारे फीचर लेस गाड़ी मिलती है आपको. लेफ्ट साइड में आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, राइट साइड में आपके हेडलाइट से रिलेटेड कंट्रोल. यहाँ पे आपको मिलेगी 7 इंच की टच स्क्रीन, जिससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका टच रिस्पॉन्स है गाइस, और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है. यहाँ पे हजार्ड लाइट का स्विच, यहाँ पे आपके AC वेंट से कंट्रोल, एंड बिलीव मी गाइस, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ये और स्पेशियस फील हो रही है स्पेशली गाड़ी. यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का पैड देखने को मिल जाएगा, टाइप सी पोर्ट, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, एंड नॉर्मल USB. इसके अंदर आपको मिलेंगे 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आर्म रेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कुशनिंग के साथ में आता है. प्लास्टिक काइंड ऑफ सॉफ्ट बोल सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है. डिसेंट साइज यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है. और जो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें थी लोगों की किया से, कि वो IMT दे रहे हैं, एक कम्प्लीट जो मैनुअल का जो फन होता है वो लोग मिस कर रहे थे, तो अब किया ने ऑफर कर दिया है गाइस न्यूली 2024 के अंदर, जहाँ पर आपको प्रॉपर मैनुअल सेटअप के साथ गाड़ी आती है, और यहाँ पे आपको क्लच भी देखने को मिलता है, तो अलग बात है. और तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट. यहाँ पे आपको मैन्युअली एडजस्ट ORBM देखने को मिलता है. अब चलते हैं गाड़ी के रियर में गाइस. तो रियर की अगर मैं बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है. यहाँ पर आपको ब्लाइंड्स भी मिलेगा, AC वेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा. यहाँ पर आपको हैलोजन सेटअप में लाइट देखने को मिल जाती है. यहाँ पे आपको एडजस्टेबल नहीं, फिक्स्ड आपको हेडरूम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बीच में कुछ भी नहीं. यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को नहीं मिलेगा. सीट बेल्ट्स इस गाड़ी के अंदर अब 6 एयरबैग्स कंप्लीट कंपनी के द्वारा कर दिए गए हैं गाइस. ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे फीचर से लेस ये गाड़ी आती है. ऐसा कुछ इस गाड़ी का बैक से आपको फ्रंट देखने को मिलेगा. इसकी बात करें गाइस, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि 385 लीटर्स का है. तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट वॉक अराउंड. और फ्यूल गेज की अगर अपन बात करें, तो कैपेसिटी की बात करें गाइस अपन, तो वो इसमें 45 लीटर्स की मिल जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो जाती है इस कार के लिए. और अगर हम बात करें अपन इसके इंजन स्पेक्स में, तो ये पेट्रोल वर्जन है गाइस, और इसके अंदर आपको मिलेगा 1200 cc का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करके देगा आपको 81.8 BHP की पावर एंड 150 Nm का टॉर्क. और ये गाड़ी जो कंपनी क्लेम करती है एवरेज वो है 18 का. तो यह है कुछ गाड़ी का 2024 ऑल न्यू किया सोनेट. तो ये बात करूँ गाइस, तो वो आपको मिल जाती है इसके अंदर 8,80,000, यानी कि 8,80,000 इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है.
जो कि वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट सिटी टू सिटी एंड स्टेट टू स्टेट। तो ये था गाइस कंप्लीट वॉक अराउंड एंड रिव्यू किया सोनेट 2024। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री राम।